में हो, चाहे वो सेंटर के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, लेकिन क्या आम आदमी की तस्वीर वाकई बदलती है? क्या उसके हिस्से के मुद्दे उठ पाते हैं? क्या ये सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की? कांग्रेस 3 रुपए किलो चावल बेचेगी तो बीजेपी 2 रुपए किलो। बीजेपी राम मंदिर बनवाएगी तो कांग्रेस दलितों और आदिवासियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलवाएगी। महिलाओं को 33% आरक्षण दोनों देंगे। ऐसे ही वादों से भरे पड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो। चुनाव बाद ही नहीं, अभी से वो धूल खा रहे हैं और बड़े बड़े नेता एक दूसरे को छोटा और कमजोर बता रहे हैं। सेक्युलर राजनीति पर सवाल खड़ा करने वाली बीजेपी वरुण को पीलीभीत से टिकट देती है तो साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाली कांग्रेस में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार हैं। मोर्चे बन रहे हैं मुद्दों पर नहीं, मौका परस्ती पर। नेताओं का रोना है कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उन्हें बिहार और झारखंड के नक्सली धमाके नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, उन्हें विदर्भ की खुशखुशी नहीं नजर आ रही है, उन्हें ये सवाल नहीं तंग कर रहा है कि उनके लाए उदारीकरण से एक बहुत बड़ी आबादी क्यों बाहर है। उन्हें बस वोट चाहिए और वोट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो वाकई बड़ा सवाल है, कहां है इस देश के आम आदमी के मुद्दे इन चुनाव में, या ये सवाल गलत है, ये मुद्दे उठ रहे हैं। मेरे साथ रोज की तरह दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है इलेक्शन पॉइंट में। सुषमा स्वराज बीजेपी के मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में, और अभिषेक सिंह भी कांग्रेस के मौजूद है। अभिषेक, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। दोनों प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, कांग्रेस की और बीजेपी, कहीं पर आपको नहीं लगता कि जो स्पेस रियल इश्यूज के लिए, असली मुद्दों के लिए उठने की है, वो नहीं हो पा रहा है इन चुनाव में? देखिए, कुछ हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरुआत से इस चुनाव में मुद्दे जो उठाए गए हैं वो या तो एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हो, एक प्रेसिडेंशियल नीति का एक सिद्धांत हो, या वरुण गांधी के अपशब्द इस प्रकार के, और कई मुद्दे हैं जो मैं समझता हूँ नामुद्दे हैं, क्योंकि ये डाइग्रेस करते हैं विकास के मुद्दों से। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी इसका पूरा एक लेना चाहिए जिम्मेवारी। देखिए, हम आपके प्रोग्राम में आते हैं तो हम वही उत्तर देते हैं उन्हीं मुद्दों का जो आप हमसे पूछते हैं। आप ये पूछिए कि आपने कितने प्रोग्राम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, कितने ऐसे प्रोग्राम किए हैं प्रिंट में या विजुअल में जहां की एनआरईजीए में इंटेंसिव डिस्कशन हुआ हो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना में, या बीमा योजनाएं दो बनी, लाइफ की और मेडिकल, उसमें कितने लाखों लोगों को किस प्रकार से बीमा मिला या किस प्रकार से वो असफल रही। तो ये मुद्दे बोरिंग है, सेंसेशनल नहीं है ये मुद्दे, न प्रिंट मीडिया का ना आपका अटेंशन होल्ड करते हैं। और ये अजीब बात है कि जब हम प्रोग्राम में आए तो ये प्रश्न उठाया जाए कि साहब इसमें ना मुद्दे हैं, जबकि प्रोग्राम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ना मुद्दों पे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें मैं पूरी राजनीतिक क्लास में, मैं किसी आरोप के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ पूरी राजनीतिक क्लास भी एक साथ कह सकती है कि जो लोग हमें आरोप लगा रहे हैं मुद्दे न होने के, उनसे पूछे कि वो मुद्दे कितनी डिटेल में, कितना चाहते हैं अपने प्राइम टाइम में, तो आपको उत्तर मिलेगा कि आप लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, मेरे से सुषमा स्वराज बोल रहे, ठीक है, ये बिल्कुल फेयर इनफ बात है। आप कह रहे हैं कि क्या हम उसे उठा रहे हैं नहीं। सुषमा स्वराज जी, जो मैंने अभिषेक सिंह से शुरुआत में पूछा था कि रियल इश्यूज क्या उठ रहे हैं इन चुनाव में, उन्होंने एक नजरिया सामने रखा कि क्या मीडिया उठा रहा है, क्या हम लोग अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है ग्राउंड में, जमीन में रियल मुद्दे उठ रहे हैं इन चुनाव के? नहीं अभिज्ञान, लोगों से जुड़े मुद्दे ही उठे हैं। महंगाई किसका मुद्दा है? महंगाई बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। आतंकवाद में नागरिक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। किसानों की आत्महत्या आम किसानों से जुड़ा मुद्दा है। रोजगार की छंटनी आम युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मुद्दे तो सारे ही वो उठ रहे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों की पहचान की है उनमें से हर मुद्दा वो मुद्दा है जो आम आदमी को परेशान और हैरान कर रहा है।
सुषमा जी, मैं अभिषेक सिंह के पास आने से पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं मीडिया में, लेकिन दूसरी बात, आप अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप इलेक्शन में जाती हैं, आपका काम है पिछले 5 सालों का हिसाब मांगना जो इनकी सरकार ने किया, और ये जब ऑपोजिशन में रहेंगे आपसे रहेंगे वही सवाल करेंगे, क्या आप उसको उस तरह से उठा रहे हैं या बाकी मुद्दों में तो नहीं घूम जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही कहा तुमने, हम लोग तो उनसे जवाब ही मांग रहे हैं और हर सभा में शुरुआत ही इससे करते हैं कि पुराने 5 साल में उन वादों और उन नारों का जवाब दो जिन पर सरकार आई थी। तो इसलिए हम आम आदमी की बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही फरमाया तुमने कि कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों से लोग भटक जाएं, उनका ध्यान हट जाए, और इसलिए कांग्रेस गुमराह करने के लिए ये दूसरी चीजें ला रही है। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया कि हम कांग्रेस की चाल में फंसेंगे नहीं। जी, हम वापस आएंगे अभिषेक सिंह, हम अपने 4 इलेक्शन पॉइंट्स दिखाएंगे। बहुत बहुत दिलचस्प बात अभिषेक सिंह ने रेस की इस प्रोग्राम में। सुषमा स्वराज कह रही है कि नहीं, ग्राउंड पे जो है वो मुद्दे उठ रहे हैं, मीडिया से भी सवाल उठाया जाता है कि क्या आप लोग जो है वो सेंसेशनल इश्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। मैं वो 4 इलेक्शन पॉइंट आज रखूंगा इस प्रोग्राम में जिसकी वजह से हमें लगता है कि रियल इश्यूज जो है वो नहीं उठ रहे हैं चुनाव में। पहला पॉइंट ये कि जनता से कटे हुए हैं नेता, शायद उन्हें असली मुद्दों की पहचान नहीं है। ये जमीन की तस्वीर है, उससे जुड़ा हुआ ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं रख रहा हूं इस प्रोग्राम में ये है कि जनता की जो समस्याएं हैं सालों साल जो बदलती रही हैं, जनता की समस्याएं, क्या उसका हल है इन नेताओं के पास? शायद हल नहीं है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं करना चाहते। तीसरा पॉइंट जो मैं रखूंगा कि नेताओं का अपना खोखलापन जो है वो उन्हें असली मुद्दे उठाने से शायद कहीं पर रोकता है, क्योंकि वो चुनाव में जाते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर पूरा नहीं कर पाते। मैं कतई भी किसी कांग्रेस या बीजेपी की बात में नहीं कर रहा हूं। चौथा पॉइंट लगता है, अभी भी एक सेंस मिलता है आपको इंडियन पॉलिटिक्स से, एक अंदाजा मिलता है कि नेता सोचते हैं कि जो इमोशनल इश्यूज हैं, जज्बाती मुद्दे हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। मैं बार बार दोहरा दूं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर मीडिया पर इस तस्वीर पर सवाल उठता है, लेकिन ये वो पॉइंट्स है। मैं अभिषेक सिंह साहब के पास वापस जाऊंगा। सर, दूसरी बात जो मुझे वाकई नहीं समझ में आती यहां पर कि आपने मीडिया का चूंकि जिक्र किया, बड़े लेवल पर तब भी शायद टेलीविजन डिबेट्स नजर आते हों, बड़े नेता हों, आप लोग शामिल होते हैं उसमें, आपको लगता है, सुषमा स्वराज का दावा है कि ग्राउंड पर जमीन पर ये मुद्दे उठते हैं, आपको लगता है कि जो जमीन पर कैंपेन कर रहे होते हैं नेता वो उन मुद्दों को उठाते हैं, या आपको लगता है वो भी उन्हीं इश्यूज में फंस जाते हैं जिन्हें शायद हम टेलीविजन पर चर्चा कर रहे हो? नहीं, मेरा आभास जो मेरा उत्तर था वो सिर्फ मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में था। मैंने सोचा आप पूछ रहे हैं कि मुद्दे उठ रहे हैं नहीं, जो हम लोग आज झगड़ रहे हैं जिन मुद्दों पे या जिन पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है या जो अखबारों की सुर्खियों में आ रहे हैं, उसके अलावा अभी तक इस चुनाव में मैंने हैदराबाद में, उत्तराखंड में, नागपुर में, जयपुर में, अहमदाबाद में, जबलपुर में कैंपेन भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप कैंपेन में जाते हैं, किसी भी सांसद की रैली में आप उद्घोषण करते हैं, तो बहुत हद तक के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। वहां पर आप मीडिया वाले सनसनीखेज मुद्दे नहीं उठाते हैं। इसलिए ये कहना कि ऐसे मुद्दे नहीं उठते रैली में गलत है, लेकिन साथ जो माहौल बनता है पूरे राष्ट्रीय एक संदर्भ का, केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो माहौल बनता है आपके विजुअल चैनल से भी और अखबारों से भी। जी। और वहां मैं देखता हूं कि ज्यादातर मुद्दे, और कुछ हद तक वो इन्फ्लुएंस करते हैं रैलीज को भी और आम आदमी को भी, मुद्दों से दूर भागा जाता है। उदाहरण लीजिए आप, हमारे 3 पन्ने हैं मैनिफेस्टो के, उसमें मैनिफेस्टो नहीं, रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार की, बहुत स्पष्ट आंकड़ों के साथ। एक डिबेट आप कर लीजिए ऑडिट के साथ, फिगर्स के साथ, डिटेल में जाके, जिसमें एंकर भी पूरी तरह से परिचित हो एनआरईजीए में। एक दूसरा डिबेट कर लीजिए आप बीमा योजनाओं में। अब ये डिबेट क्यों नहीं होते अखबारों में या चैनल्स पे? ठीक है, आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शायद सुषमा स्वराज जिस बात की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, मैं अगर इसको और दूसरे तरह से आपके सामने रखूं, कह रहे हैं कि एनआरईजीए के डिबेट नहीं होते, मैनिफेस्टोस में क्या है उस पर बहस नहीं हो रही है। दूसरा एंगल इसका यह है कि
एक स्तर पर जो इस चुनाव के दो बड़े चेहरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बीच जब एक बहस शुरू हो जाती है स्टेटमेंट्स के जरिए, किसी प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं, तो आपको नहीं लगता कि वो बाकी मुद्दों को हाईजैक कर लेते हैं? देखो ऐसा है विज्ञान, एक हो रहा है सीधा संवाद जनता से जो सार्वजनिक मंचों से हो रहा है, उसमें तो जा रही है हमारी बात जो हम लोगों से कहना चाहते हैं। मीडिया के लिए क्षमा करना, नेगेटिव न्यूज न्यूज होती है, पॉजिटिव न्यूज न्यूज नहीं होती, इसलिए वो ज्यादातर उठा रहे हैं इस तरह की टिप्पणियों को। अभी जो आपने कहा कि अडवाणी जी और मनमोहन सिंह जी की बात, अडवाणी जी ने जो टिप्पणी मनमोहन सिंह जी पे की वो शुद्ध राजनीतिक टिप्पणी है, वो उनके व्यक्तित्व पर या उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, वो उनकी कार्यशैली पर टिप्पणी है। अडवाणी जी ने उन्हें कहा कि आइए एक बहस करें। अब आप मुझे स्वयं बताइए कि लोकतंत्र में बहस से बड़ा कोई दूसरा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का? लेकिन वो बहस से कतरा गए, उन्होंने बहस से मुंह मोड़ लिया। फिर अडवाणी जी ने उन्हें ये कहा कि आप सीधा चुनाव लड़कर देखें। अब बताओ लोकतंत्र में तो सत्ता लोक के पास होती है ना, और अगर कोई प्रधानमंत्री लोगों के पास जाने से डरते हैं तो फिर लोग उन पर भरोसा कैसे करें? आज तक बहुत बार राज्यसभा से लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, पहले उपलब्ध अवसर पर वो लोग लोकसभा में आए हैं। मनमोहन सिंह जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 5 साल तक राज्यसभा में रहकर प्रधानमंत्री रहे, और अब जब चुनाव आया तो भी चुनावी समर में उतर नहीं रहे। तो आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति को क्या दमदार प्रधानमंत्री कहा जा सकता है? तो ये टिप्पणी उनकी कार्यशैली पर है। अडवाणी जी ने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर नहीं की है, और राजनीतिक टिप्पणी करना तो उनका अधिकार ही है। आखिरकार अगर हम विरोधी के नाते चुनावी समर में हैं तो आपकी कार्यशैली की आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन अगर मनमोहन सिंह जी ने उनकी ये चुनौती स्वीकारी होती, अब वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य हैं, वो गुवाहाटी से लड़ लें, वहां उनकी सरकार भी है, वो पंजाब के पुराने बाशिंदे हैं, पंजाब से लड़ लें, दिल्ली से एक चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली से लड़ लें। लेकिन कोई प्रधानमंत्री लोकतंत्र में चुनाव ही ना लड़े और फिर बहस करने को भी तैयार ना हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे दमदार प्रधानमंत्री कहेंगे क्या? हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, हम वापस आएंगे, मैं वक्त दूंगा अभिषेक सिंह साहब को रिस्पॉन्ड करने के लिए इस बात पर, लेकिन अपने मुद्दे से हटेंगे नहीं, क्या क्योंकि फिर ये भी टेलीविजन बहस लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस मनमोहन सिंह होकर रह जाएगी। आरोप दोनों ही नेता लगा रहे हैं कि क्या मीडिया में भी हम ईमानदारी से उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार, लेकिन मेरा सवाल इलेक्शन पॉइंट में यही है। इसका फैसला हम आपको पैनल का फैसला इस प्रोग्राम के ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या वाकई असली मुद्दे उठ रहे हैं इन इलेक्शन में। हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी क्यों पहनेगा? मैं छाती पर मैं रोलर चला देता चाहे नतीजा जो भी होगा। किस साल से हिंदुस्तान का नमक खा रही हो मैडम? आप हिंदुस्तान के लिए ऐसा बोलती हो? मेरे साथ अभिषेक सिंह भी साहब मौजूद है, सुषमा स्वराज मौजूद है। अभिषेक सिंह भी आप सुषमा स्वराज को सुन रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। एक चीज मैं जरूर यहां पर पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि दोनों लोग ऐसा मानते हैं कि शायद मीडिया भी असली मुद्दों को नहीं उठा रहा इन चुनाव में, लेकिन अगर दो पर्सनैलिटीज को लेकर भी बहस हो रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, तो उसमें हर्ज क्या है? कम से कम जनता को उनको दोनों को जानने समझने का मौका तो मिल रहा है। हर्ज कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो हुआ वो मेरे बात को, मेरे प्रपोजिशन को प्रमाणित करता है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये बोरिंग होता है कि आप एनआरईजी डिस्कस करें, बीमा योजनाएं डिस्कस करें, भारत निर्माण पे विचार विमर्श करें, और इसीलिए ये रोचक होता है कि एक टिप्पणी आ जाए प्रधानमंत्री के बारे में, एल के आडवाणी के बारे में। अभी वो टिप्पणी आई। अब आप देखिए मेरी विडंबना, अगर मैं इस डिबेट में न पढ़ूँ और जवाब न दूँ तो कहा जाएगा कि कांग्रेस निरुत्तर थी, और कई चैनल्स में ये कहा जाएगा, आप ही कहेंगे कि अरे आपने, आप मान गए, आप चुप क्यों हैं? तो इस तरह डिबेट शुरू होता है, इस तरह से एक मार्ग बनता है जिसको आप बाद में कहते हैं कि नामुद्दों का मार्ग है। तो चित भी अपनी, पट भी अपनी, जहां तक मीडिया का सवाल है। एक दूसरा, अब जब क्योंकि सुषमा जी ने ये कही दिया है तो इसका जरा आपको बड़े संक्षेप में टिप्पणी सुननी भी पड़ेगी।
ये बात बीजेपी शुरुआत से कर रही है क्योंकि एक बहुत बड़ी आकांक्षा है इस प्रधानमंत्री इन वेटिंग की कि उनका आखिरी चांस है, इसे प्रधानमंत्री बनना ही बनना है। यहां तक कि पूरा चुनाव, पूरी एनडीए बीजेपी को छोड़कर को गियर किया गया है, एक प्रकार से मार्ग से हटाकर फोकस बदल दिया गया है प्रधानमंत्री पे। ये पहली बार हुआ है क्योंकि उनकी निजी महत्वाकांक्षा को उनके पूरे गठबंधन से ऊपर रखा गया है। तीसरी बात, इसका पूरा सिद्धांत और इसका आधार ही गलत है। सिद्धांत और आधार गलत इसलिए है क्योंकि सब जानते हैं कि इस देश में जो संसदीय प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री बाध्य होता है पार्टी के प्रोग्राम से, नीतियों से। पार्टी में डिबेट होता है, पार्टीज में डिबेट होता है, व्यक्तियों में नहीं होता है। राष्ट्रपति और यूएसए की तरह वो संसद का नकार नहीं सकता है। और चौथी बात, ये गलत है समझना कि अब शब्दों में नहीं निंदा की गई है, प्रॉक्सी बोला है, केयरटेकर बोला है, और जब जवाब दिया प्रधानमंत्री ने अपने यूजुअल डिग्निफाइड स्टाइल पे, ठीक है, इसको राजनीतिक निंदा नहीं कहते। मैं निंदा की तो कहा कह रहे हमारी निंदा कर रहे, हम हर्ट हैं। अभिषेक सिंह साहब, मेरे पास आखिरी बात, डिबेट इसलिए नहीं हो रहा है, एक मिनट, डिबेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वही महत्वाकांक्षा अडवाणी जी की पूरी की जाए कि उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए प्रधानमंत्री इन वेटिंग। आपने अपनी बात रखी इस प्रोग्राम में सुषमा स्वराज, अभिषेक सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। घूम फिर कर बात शायद वहीं पहुंच गई, हालांकि हमें भी अपनी तरफ देखने की जरूरत है, मीडिया को। हम देखते हैं आप लोगों की राय, हमारे पैनल की राय क्या बोल रहे हैं इस मसले पर, कि क्या वाकई उठ रहे हैं असली मुद्दे इन चुनाव में। अभिषेक सिंह ने कहा कि मजबूरी, अगर वो उठाएंगे तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जल्दी से देखते हैं हरिवंश क्या कहते हैं, नेता असली मुद्दों से डरे हुए हैं ये कहना है। तेलंग मुद्दों से हटना कांग्रेस की सफलता बीजेपी की नहीं है, ये सुधीर तेलंग महसूस करते हैं। कमाल फारूकी का कहना है कहीं पीएम कहीं स्विस बैंक की चर्चा है, तरक्की का प्रोग्रेशन का सवाल गायब है इन इलेक्शन से। चंद्रवान क्या कहते हैं, नेता मुद्दों से भाग रहे हैं। ये पैनल की ओपिनियन है, तो पैनल की ओपिनियन में तराजू में वो कैसे नजर आती है आज के दिन इलेक्शन पॉइंट में, उस पर हम जरा नजर डालते हैं। और पूरी तरह से एक ही तरफ, सभी ये मानते हैं कि असली मुद्दे नहीं उठ रहे हैं इन चुनाव में। मीडिया का रोल है, उसे भी सोचना पड़ेगा। आपकी ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी ओपिनियन है? 88% है, ये बड़ी है इस प्रोग्राम के शुरुआत से। 88% अभी मानते हैं।